70 ईयर्स होने के वजह से इस गणपति की हाइट इस बार है 70 फुट, वन ऑफ द बिगेस्ट गणपति इन भारत इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी यहाँ पे वायरिंग है और कितना यहाँ पे बहुत कुछ नजदीक है, तो कैसे यहाँ से लेके जाते हो पता नहीं। फाइनली हम आ गए VIP लाइन में और सामने है बड़ा गणेश खैरताबाद का गणपति बप्पा। वेलकम बैक टू नेशन राइड। आज मैं आया हूँ, देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ की ऑटोस और यहाँ का जो लाइक नेम है, मैं आपको नेम दिखा था ऊपर, तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ के नेम से। तो जी हाँ, मैं आ चुका हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद में यहाँ का जो भारत का जो टॉलेस्ट जो गणपति होता है खैरताबाद का, वो मैं गणपति देखने के लिए आ जाया हूँ। और यहाँ का अगर बात करें आने की जर्नी, तो नाइट की ट्रेन थी, हमने रात को 10 बजे जर्नी स्टार्ट की थी और मेरे साथ है यहाँ पे द हरीश मिस्त्री एडवेंचर और वहाँ पे भाभी जी और नीलू। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैदराबाद के गणपति को, जो कि पूरा लाइक अपने भारत का सबसे बड़ा गणपति है अभी तक तो मुझे पता है, और वो कुछ 70 फुट इतना ऊंचा है। तो चलिए देखते हैं आगे की जर्नी को। सो फाइनली अभी हमारा हो रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और देखिए ब्रेकफास्ट में हमने लिया है मेदू वड़ा मिक्स और ये पेपर डोसा, और अभी हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है तो वही जाके लेके आएंगे। सो ये हमारा ओनियन उत्तप्पा, तो देखते हैं अभी खाने के बाद कैसे है। सो गाइस, यज्ञेश विराट फूड कोर्ट यहाँ से अभी हम आगे जा रहे हैं गणपति के यहाँ पे, और गणपति के लिए जाने के लिए आपको यहीं से सीधा जाना है। सो बेसिकली यहाँ से 500 मीटर मतलब यहाँ से अभी 100 मीटर हमारा होटल था, और होटल के यहाँ से मतलब समझो 600 मीटर है, तो जो हमने होटल बुक किया है वहाँ पर आप जा सकते हो। और लेट्स सी आगे का गणपति का दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस आज के ब्लॉग में। और अगर आप चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए नीलेश कृष्ण राइट और मुंबई के वाद्य पदक, ये मेरी आईडी है दो, जॉब इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक दोनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो जाने की जर्नी में ना आपको लाइन से ना यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कुछ आपको होटल मिलेंगे छोटे छोटे, यहाँ से आप ना नाश्ता कर सकते हो। यहाँ पे आने की जर्नी में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं कैसे आया। मुंबई से हैदराबाद एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन है, वो हमने ली और वो कुछ 2:30 बजे हमने दादर से पकड़ी और 2 बजे CST से निकलती है वो, आई थिंक 2 बजे, तो हमने तो दादर से 2:30 बजे तक समथिंग पकड़ी थी, और उसके बाद वो सुबह 3:30 बजे हम यहाँ पे आए, तो वहाँ से हम 3:30 बजे आए हैदराबाद बेगमपेट, और बेगमपेट से फिर यहाँ पे आने के लिए हमने ऑटो वाले को कुछ 200 रुपये दिया, और उसमें फिर हम लाइक 200 रुपये तक यहाँ पे आ गए। मतलब यहाँ पे आप ना ईजिली आ सकते हो आप लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और ऑनलाइन अगर आप लाइक ओला उबेर करते हो तो ओला उबेर का यहाँ पे थोड़ा सा सीन है, लोग है ना कैंसिल करते हैं आपकी ऑर्डर, अगर आप बुक कर रहे हो तो आपका जो ट्रिप है वो कैंसिल करते हैं और फिर आपको फिर वेटिंग करना पड़ता है। इससे अच्छा कोई ऑटो वाले से बात कर लो और जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ पे आ सकते हो। तो बेसिकली अभी ये तो थी हमारी यहाँ पे आने की जर्नी। उसके बाद हमने हमारा जो सेवेंटी ईयर्स होने के वजह से इस गणपति की हाइट इस बार है 70 फुट, तो वन ऑफ द बिगेस्ट गणपति इन इंडिया भारत, वो एक यहाँ का अलग अभी एक पहचान होने वाली है। अगले साल 71 होगा तो 71 फुट होगा, देखते आगे कितना हाइट करने वाले, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी यहाँ पे वायरिंग है और कितना यहाँ पे बहुत कुछ नज़दीक है, तो कैसे यहाँ से लेके जाते हो पता नहीं, या फिर रूट अलग होगा, लेट्स सी आगे ही पता चलेगा, तो चले जाते आगे। सो बेसिकली अगर बात करें ना तो हैदराबाद में हम कितने बार आए, बहुत बार आए, 4 साल से। हाँ, चार साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाइक अपूर्वा है, आकाश है, अमर है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं अपने लाइक हमारे अरुणाचल के सीरीज़ में, फिर जैसलमेर के सीरीज़ में, और बाकी बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा हम जब कभी रोड ट्रिप करते हैं उनके साथ तो वो लोग रहते हैं, और कभी हम लोग हैदराबाद आए तो उनके साथ अभी हमारा व्लॉग रहता है। तो बेसिकली आज का भी वही प्लान है, गणपति का दर्शन होने के बाद
हम ना बेसिकली जाने वाले आकाश के घर पे, और वहाँ से फिर जो जो मतलब पूरा ये ब्लॉग आपको ना बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अलग ही होने वाला है, क्योंकि गणपति दर्शन करने के बाद का जो पूरा डे जो प्लान है वो बहुत अलग है। जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे, वो हमारे फ्रेंड्स नहीं, वो हमारे फैमिली जैसे फैमिली मेम्बर है, तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे हर साल तो आते ही आते हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे देखिए गणपति के उस जहाँ से दर्शन स्टार्ट होते हैं वहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन से ना दर्शन होते हैं, और यहाँ से बड़ी बड़ी लाइन जाती है, और ये VIP एंट्री है, ये VIP एंट्री के यहाँ से अंदर बाद में छोड़ेंगे। तो अभी सामने ही है गणपति बप्पा, देखिए कितने बड़े हैं, मैं आपको ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितने बड़े हैं, बाप रे, देखिए ये लोग देखिए कितने। तो गाइस देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट मूर्ति इन भारत लाइक इंडिया आप बोल सकते हो, और ये जो गणपति है इसके पैरों से मैं अभी आपको ना ऊपर जूम करके दिखाता हूँ, तो अभी तक इसको ना खोला नहीं है, खोल रहे धीरे धीरे, ये देखिए। बाप रे कितना बड़ा गणपति है। और गणपति के यहाँ पे देखिए पूरे सब भगवान के जो सिर है, यहाँ पे एक साइड में सब देवी है और यहाँ पे सब भगवान है। सो अभी यहाँ से ना हम आगे जाने वाले हैं। सो देखिए ये पूरा बेस से हम शूट कर रहे हैं गणपति, यहाँ पे प्रभु श्री राम है, और ये देखिए सुगाई गणपति बाबा मेरे यहाँ से आप देख सकते हो कितना पीछे और कितने बड़े लग रहे हैं। बेसिकली देखिए मैं अभी यहाँ से ऊपर से नीचे करूँगा ऐसे, तो भी आपको गणपति बप्पा दिखेंगे क्योंकि बहुत बड़े गणपति बप्पा है। और अभी आज एक्चुअली है गणपति कल आने वाले हैं, तो आज हम आए और अभी गणपति सब सिर्फ ओपन हुए, पर गणपति का अभी ना यहाँ पे कोई प्राण प्रतिष्ठा अपना पूजा हुई नहीं है, तो उस वजह से ना गणपति के लिए हम अभी कल फिर से आने वाले हैं। पर ये ब्लॉग अभी कल फिर से आपको कंटिन्यू मिलने वाला है, तो मिलते हैं कल के दिन। कल के दिन यहाँ पे जो गर्दी है वो आपको दिखाऊंगा, ये जितना भी एरिया दिख रहा है आपको पूरा खाली है, वो बाद में कल पूरा भरने वाला है। सो देखते हैं आगे फिर। The next day. So, अभी ये गर्दी है, और अभी हमारे जो फ्रेंड है उनके जो फ्रेंड है उनके कांटेक्ट के थ्रू हम अंदर जाने वाले हैं, तो लेट्स सी जाने मिलता है कि नहीं, आगे आपको अपडेट बताएंगे। सो गाइस फाइनली हम अभी ना अंदर जा रहे हैं गणपति के यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सामने है गणेश जी महाराज। वाह कल आए थे अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी देखिए पूरी भीड़ हो गई है और हम लाइन में से, हमें यहाँ पे VIP से जाना था, पर जो हमारे ऑर्गेनाइजर है वो यहाँ पे अंदर बिजी है। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, बाप रे। सो गाइस फाइनली हम ना आ गए VIP लाइन में, एक बंदे यहाँ के डायमंड करके ये जो जा रहे इनके रेफरेंस से अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये जो सामने है, और सामने है बड़ा गणेश खैरताबाद का, देख सकते हो। अभी जाएंगे सीधा गणपति के यहाँ पे, ये यहाँ से गणपति सामने कल आए थे अभी इतना मतलब यहाँ पे ये नहीं था, पर अभी यहाँ पे गणपति को पूरा हार लगाया, गणपति पूरा बन चुका है, देख सकते हो। हम जाएंगे वहाँ पे अंदर, फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे बड़ा गणेश के यहाँ पे, और बड़ा गणेश देखिए कितना बड़ा है, लाइक यहाँ से ना हम ऊपर देख रहे तो पूरा गर्दन हमारी दर्द दे रही है, इतना बड़ा गणपति है, और 70 फुट है मतलब 70 फुट है। कल आए थे अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं था, अभी देखिए बड़ा बड़ा हार है, इतने बड़े बड़े मतलब हार लगाए, 3 मुकुट है, एक साइड में देव, एक साइड में देविया, और पीछे देख सकते हो पीछे एक बड़ा मंदिर है। अभी हम जाएंगे ऊपर। सो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं आगे गणपति के यहाँ पे पैरों के यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा लड्डू है, अंदर 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 जाना। चलो
भाई हम जा रहे हैं अभी गणपति के यहाँ पे, बहुत आवाज यहाँ पे, बहुत रश है। पीछे देखिए, पीछे भी आ रहा है, ये लाइन देखिए। So guys, यहाँ पे ना मंडप के पीछे मंदिर के अंदर ना यहाँ पे अंदर खाना होता है, तो जो वी आई पी या फिर जो स्टाफ होते हैं मंडल के उनके लिए यहाँ पे खाना होता है। So guys, फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है और अभी हम ना यहाँ से निकलने वाले हैं। तो सामने देखिए बड़े गणपति लास्ट उनको नमस्कार करते हुए गणपति बप्पा मोरिया अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और आज का व्लॉग यही तक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया।